और ग्वालियर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती आज पूरा देश मना रहा है, उनको याद कर रहा है। ग्वालियर में भी गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती पर अलग अलग राजनीतिक संगठनों ने और नेताओं ने महापुरुषों को याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस नेताओं ने आज प्रभात फेरी निकाल कर की महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद कांग्रेस नेता शास्त्री जी के चौक पर पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर नमन किया। इस दौरान ग्वालियर महापौर शोभा सिकरबार, कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरबार, कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर सभी कांग्रेस पार्टी ने उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सभी एक ता के सूत्र में बंध कर रहे हैं, यही संदेश देना चाहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है और पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के हितैषी, जवानों के हितैषी लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है और आज कांग्रेस पार्टी द्वारा हमारे दोनों महापुरुषों की जयंती मनाई गई और हम ये प्रेरणा लेते हैं उन्होंने कि उन महात्मा गांधी के मार्ग पर चलकर, लाल बहादुर शास्त्री जी के मार्ग पर चलकर कांग्रेस को और देश को मजबूती प्रदान करें। गांधी जयंती के अवसर पर संपूर्ण कांग्रेस, कांग्रेस की महापौर महोदया, कांग्रेस के विधायक, सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण, सभी लोग आज सुबह, हमने 8 बजे का टाइम दिया था तो सुबह 8 बजे सब लोग एकत्रित हुए उनको नमन करने, उनको पुष्पांजलि करने। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम सब लोगों ने आके उनको नमन